तो भाई इस वाली वीडियो में सारी जितनी भी अपनी रेड रिडेम्पशन 2 की अब तक की डबिंग है, उसका कंपाइलेशन होने वाला है। सही में बड़ा बढ़िया सजेशन था यो भाई का। तो भाई अगर तुम एपिसोड 15 से पहले वाली डबिंग से ढूंढ रहे हो तो भाई मत ढूंढो, वो है नहीं, क्योंकि ये चीज मैंने एपिसोड 15 से शुरू करी थी पहले वाले की वीडियो के। और बता कैसा है चूतिया इंसान, गाली का गुदिया बे है, सॉरी चूतिया, क्योंकि इंसान तो तू है नहीं, मैं इंसान है। चल तुझे बता गांजा कहाँ है, गांजा तेरी गांड में, मेरी गांड में। अबे सुबह हगा हुआ यार, मैं सारा गांजा निकल गया, पहले बताना चाहिए था ना वो। अरे कैसे सारे फटीचा भिकमंगे बैठे हो वे, खड़े हो जाओ, चलो कोई भी नहीं देता आजकल मंदिरों में, साले कमाना खाना जान तेरी। अबे तू कौन सा घना आमिर है, तू ही मारे कैसा ही है, घना इंगे तिंगे तो चार हाथ मारे बड़ा आदमी बन रहा। अरे हमें बता तू कच्चे में डुल रहा है, कच्चा भी ना पावे तुझे तो, दूसरे कच्चे चूरो चोरे पैरा, दो पैर तो मेरे कच्चे चूरो लिए, मैं नंगा भिखारी समझ के लोग दो चार पैसे फालतू दे गए, इतना फटी चला बन रहा है भी नेता। ए शरीफ लौट जल्दी आना घोसड़ी के बाहर, क्या डर गया क्या अपने बाप से, ए मैं चोट देंगे तेरी। ए किसने उठाया रहा है मेरा लौंडा, सर आप क्या ढूंढ रहे हैं। अरे मेरा लौंडा नहीं मिल रहा, पता नहीं कौन उठा के ले गया, तुमने उठाया जहाँ तक है सर, वो तो आपकी बेंट में होना चाहिए। बाय द वे हमारे पास ऐसा कोई असली आइटम नहीं है। अरे दिमाग क्या टिकटों में है, अपने लौंडे को ढूंढ रहा हूँ, बेटे को बेटे को। अरे सूर्या गलती हो गई, तुझे पता है ये सब मेरी एक आवाज पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि गांव मेरा और मैं इस गांव का क्या काम सीख रहे। अरे भाई सॉरी गलती होगी ना, चूते तो बोला था, इतना क्या भड़कने की बात है, बच्चे को डराते हैं ये लोग, सारे मिलकर मेरे को मारते हैं, चीटिंग करता है सी बाजी राव सिंगम, मैं जा दे रहा है, मैं सरिया डाल देगा इसी गांड में। अरे मैं जा रहा है ना, चलो भाई शांति से। अरे कहा भैया अभी एक आधी हड्डी चटक जाती तो फिर बोलते। अरे बेटे हम तो ये देख रहे हैं कि तुम अब भी तेज तर्रार नौजवान बरकरार हो या फिर नहीं, कहीं मुठल तो नहीं हो गए। अरे भैया कैसी बात करते हैं बड़े होके, अरे म्यूचुअल फ्रेंड नहीं होते फेसबुक पे, हम तो वो बोल रहे हैं, लगता है तुम्हारी अंग्रेजी ही मार जाने गई है। फिर गाली भैया, अरे मार्च उठाने, मार्च का झंडा डंडा उठाने, तुम भी बहुत हरामी हो गए हो बेटा, दारू मंगता है उनको दारू। ए सुनता नहीं क्या, बहरी कांड है क्या ये, लड़े सुनना, चल दम विस्की भी है वोडका, तन्ने नादी तो तेरी माँ का बहुत। अरे पैसे हो खर्च हो गया, पैसे पकड़ा पावेगा अभी। अरे भैया तुम बड़ा आंटी भैया हो क्या, अरे मेरा गांजा सप्लाई कर रहा था भरतरी के, देता काहे को नहीं, अरे गांजा तू है तो चूतिया गया क्या भाई, चल गांजा नहीं दे रहा तू, इतने दिन हो गए मुझे, चल साले गांजे की नई पुड़िया दे, वे चूतिया नई पुड़िया देना, वे भरतरी की नई पुड़िया दे, अरे गांजू साला पता नहीं कहाँ जा रहा है। अरे भैया ब्रोंटी ब्रोंटी को देखे हो, अरे बेटे ब्रोंटी ब्रोंटी कुछ नहीं है, ये अपने कलवा का लोंडा है, ये जब जैसा ना जब से इतना बकचोद हो रहा है, पहले मैं कच्चा लेके भाजगा, आज मैं लोंडा लेके भाजगा, एक नंबर का चूतिया आदमी है ये, इसके बारे में कोई बात भी नहीं करना चाहता, इतना चूतिया आदमी है यो। अरे पैंथर भैया देखो इस किताब का राब्चिक नुस्खा लिखा है। अरे बोल ना तू। अरे भैया इसमें लिखा है अगर आप बैंक लूटने जाओ और अपना मास्क घर पे भूल जाओ ना तो कहीं से वायग्रा लेके खा लो, तो उससे क्या होगा, लोगों का साधन आपके मुंह से हटके कहीं और चला जाएगा और आप बैंक लूट कर आराम से जाओगे, पहचान नहीं पाना आंखों का कतई। अरे क्या बात है, अब उन कल ही ट्राई करता है, क्या रे लोंडिया छेड़ता है, अभी लगाए फोन महिला हेल्पलाइन को। ऐसे जाने दो ना, गलती होगी, मेरे को क्या मालूम था कि आप विनोद वाली गाले दीदी को जानती हो। अरे बेटे हमने सुना है कि जो ब्रोंटी ब्रोंटी है ना ये बहुत बड़ा कट्टों का व्यापारी है, तो मैं क्या सोचा अपने बेस के लिए इस तक कट्टे ले लेंगे थोड़ा बहुत। अरे भैया कट्टे तो फट जावे हैं। अरे तू टेंशन काहे को ले रहा है, ऐसा करेंगे कट्टा निकलवाएंगे इस तरह बढ़िया सा, भाई उसे ना इसी गांड में लेके जब चलावेंगे, कट्टा फटा तो इसी गांड भी फट जाएगी, कट्टा ना फटा तो गांड तो फिर फटेगी, नहीं क्या ना मैं इसी गांड फाड़ना चाहूँ, पैंटोद में कच्चे बच्चे दोनों का बदला पूरा हो जाएगा कतई। अरे भैया फिर तो कल अखबार में खबर आएगी, कट्टा लेने पहुंचे युवकों ने सप्लाई की गांड में चला के किया टेस्ट, गांड की हालत गंभीर। अरे भैया गोटे छोड़ दो मेरे, आपके बच्चे के चक्कर में मेरे बच्चों को क्यों पैदा होने से पहले ही मार रहे हो, पाप लगेगा। अरे बेटे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी गैल शिकार पे चल, दोनों मिलके कुतिया हगावेंगे, अरे बड़ा मजा आएगा बेटे, जैसे ही शिकार का टाइम होगा भालू वालू आएगा, दोनों मिलके कुतिया हगावेंगे। अरे पैंथर ये चूतिया आदमी एक नंबर का, सारे टाइम शिकार की बात करता रहे, इसकी गांड में घेर इसका शिकार, तू मेरी गैल आ मैं दिवाऊंगा तेरी जिंदगी का मजे, अबे तुम दोनों ही चूतिया मुठलो एक नंबर के, मैं नहीं आ रहा गांड में। अच्छा तो ऐसे कोई ऐसी बात है जो आप हमसे पूछना चाहते हो पर कभी पूछ ना पाए हो। हाँ भैया एक कंफ्यूजन था हमें, पूछ लें। अरे हाँ हाँ पूछिए, क्या बात होगी भाई, आप तो हमारे, आप पंजाबी हैं और आपको चोरी पसंद आई बॉम्बे की, तो ये बताओ कि आप बॉम्बे गांड मारने गए थे वो पंजाब आई थी मनाने, नहीं ऐसा हो कैसे सकता है, हमें तो इतने साल हो गए मेरठ में रहते हुए, बम्बई के बस आम देखे हैं, चोरी तो कभी नहीं मिली। अरे भैया पता है कल जब मैं हगा था तो मुझे गूस पैम्स आ गए। अरे तो भोसड़ी कितनी मनाते काय को,
जो घूसे भी स्पर्म्स आ जाए। अरे नहीं भैया, घूस स्पर्म्स का मतलब गांड फट जाना डर के मारे। वह जब मैं आ गया था ना तो मेरे सामने एक छिपकली आ गई, मतलब छिपकली नहीं छिपकला था, तो मैं मियाँ खलीफा देख रहा था तो साला वही मियाँ खलीफा देख के हिलाने लग गया। अच्छा, उसके स्पर्म्स से घूसे आ गए। बोले तुमको मालूम होती हमारी धरती के नीचे बहुत सारा ऑयल होती, ये अमेरिकन लोग हमारा ऑयल ले लेती, अगर तुम हमको उस ऑयल को निकालने में हेल्प करती तो हम तुमको दिरहम देती और साथ ही साथ एक मियाँ खलीफा फ्लैट, सॉरी इट्स बुर्ज खलीफा, हम तुमको एक बुर्ज खलीफा फ्लैट देती और बहुत सारा दिरहम ही दिरहम देती, दिरहम ही दिरहम।